हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है, इफ डेल क्रेडर कमीशन इफ डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड, बैड डेट विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले आप समझ लो कि डेल क्रेडर कमीशन होता क्या है। डेल क्रेडर कमीशन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, परिशोध कमीशन बोलते हैं। तो डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है कि जो उधार पे बिक्री होती है उसको डूबने का भी खतरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं, है ना। तो बैड डेट की जिम्मेदारी, रिस्क जो है बैड डेट का, वो किसका होता है? नॉर्मली तो कंसाइनर का होता है, बट अगर कंसाइनर चाह रहा है कि ये रिस्क कंसाइनी बियर कर ले, प्रेसिटी के ऊपर ये रिस्क डाल दिया जाए, तो उस केस में प्रेसिटी को एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डेल क्रेडर कमीशन के नाम से। तो डेल क्रेडर कमीशन का पर्पस क्या होता है कि जो बैड डेट का रिस्क है वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाए, कंसाइनी को कर दिया जाए। अब देखो, अगर बैड डेट का रिस्क कंसाइनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस केस में बैड डेट की जो अकाउंटिंग है वो कंसाइनी की बुक में होती है, कंसाइनर की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो डेल क्रेडर कमीशन के केस में हम दो तीन बातें नोट कर सकते हैं। एक तो, अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है तो जो रिस्क है किसका, बैड डेट का, वो किसके ऊपर चला जाएगा, कंसाइनी के यहाँ। चूंकि अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है तो बैड डेट का रिस्क कंसाइनी के यहाँ है, तो अकाउंटिंग भी इसकी किसके यहाँ होगी, कंसाइनी के यहाँ होगी, कंसाइनर के यहाँ इसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, इफ डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड, डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है, इसका मतलब बैड डेट का रिस्क किसका हो गया, कंसाइनी का हो गया, तो कंसाइनर के यहाँ कोई अकाउंटिंग नहीं होने वाली है। बैड डेट विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट, बोल रहा है बैड डेट को कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो नहीं। अगर बैड सॉरी डेल क्रेडर कमीशन अलाउड है तो बैड डेट की रिस्क जिम्मेदारी किसकी है, कंसाइनी की है, तो जिम्मेदारी कंसाइनी की है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर की बुक में ओपन किया जाता है, तो इस केस में कंसाइनमेंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। ठीक है, तो आपका आंसर तो यही मिल गया, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना था, ये स्टेटमेंट गलत है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। चलो बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इफ डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड, बैड डेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है तो बैड डेट को कंसाइनर के बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है ना। फिर डेल क्रेडर कमीशन इज प्रोवाइडेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, हाँ सारे ही कमीशन कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को दिए जाते हैं। फिर डेल क्रेडर कमीशन इज पेड फॉर बियरिंग रिस्क ऑफ बैड डेट बाय कंसाइनर, डेल क्रेडर कमीशन जो डूबत ऋण का जोखिम है वो कंसाइनी बियर करे इसलिए दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था, तो आपका सही आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, प्रेषण लेखांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कैश के बेसिस पे, अक्रूअल, रियलाइजेशन या हाइब्रिड, तो ये किया जाता है अक्रूअल सिस्टम पर बेस होता है। ठीक है ना, इसीलिए, क्योंकि अक्रूअल का मतलब क्या होता है कि इसका कैश से लेना देना नहीं है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अक्रू होगा वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि रेंट पे करना है, अक्रूअल और कैश सिस्टम समझते ही होंगे आप लोग। कैश सिस्टम का मतलब होता है कि किसी चीज की अकाउंटिंग तब की जाएगी जब उसका इफेक्ट कैश में आएगा। जैसे मैं रेंट का एग्जाम्पल लू, तो अगर महीने महीना पूरा हो गया तो आपको रेंट बुक करना है, ये अक्रूअल सिस्टम बोलता है। और कैश सिस्टम क्या बोलता है कि जिस दिन आप रेंट पे करोगे उस दिन रेंट को बुक करोगे, है ना। तो कंसाइनमेंट अकाउंट अक्रूअल सिस्टम पर बेस्ड है, कैश सिस्टम पर बेस्ड नहीं है। इसीलिए कंसाइनी का जैसे कमीशन ड्यू होता है तो आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो, गुड्स जैसे ही आप भेजते हो तो उसकी एंट्री आप कर लेते हो, आप इस बात का वेट नहीं करते हो कि पैसा आएगा तब उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है उसके बेस पर बेस्ड है, अक्रूअल सिस्टम पे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा आइटम क्रेडिट नहीं होता है कहां, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता क्या क्या है,
कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसा ही फॉर्मेट होता है, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट में आप क्या लिखते हो, बाई कंसाइनी, ठीक है ना, जो भी आप सेल करते हो, कंसाइनी सेल करता है वो यहां लिख दिया जाता है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो यहां आता है एबनॉर्मल लॉस, फिर आप कंसाइनमेंट का, कंसाइनी का स्टॉक पड़ा हुआ है वो यहां आता है कंसाइनमेंट स्टॉक या स्टॉक विद कंसाइनी, फिर अगर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे अगर लोडिंग हटाना है तो वो यहां आता है बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यही चीजें आती हैं क्रेडिट में। डेबिट में क्या आता है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक, जो भी कंसाइनर खर्चा करेगा, टू कंसाइनी, कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए, फिर टू कंसाइनी, जो भी उसका कमीशन होगा उसके लिए, ठीक है, टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, इधर जो स्टॉक है अगर ये कॉस्ट प्राइस से अब पर भेजा गया है तो उसकी लोडिंग हटाने के लिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस। यही होता है ना कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। क्रेडिट में ये चीजें लिखी जाती हैं, सेल हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, कंसाइनमेंट स्टॉक हो गया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वो वाला पोर्शन, अनलोडिंग करने जो भी, अगर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो अब कॉस्ट प्राइस भेजा गया है तो उसकी लोडिंग हटाने के लिए यहाँ लिखा जाता है ना, नॉर्मली नहीं लिखा जाता। फिर टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कैश एंड बैंक मतलब कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी के एक्सपेंसेस अगर है तो वो टू कंसाइनी के नाम से, टू कंसाइनी के नाम से ही कंसाइनी का कमीशन, कंसाइनमेंट स्टॉक अगर इस स्टॉक में भी कुछ सॉरी अगर जो इनवॉइस है वो अबव कॉस्ट पे माल भेजा गया है तो उस केस में यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक का जो लोडिंग होगा वो यहाँ हटाया जाएगा और फाइनली कंसाइनमेंट अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो समझ में आ गया क्या क्या डेबिट क्रेडिट में होता है। अब पढ़ लो, आपको क्या ढूंढना है कि क्रेडिट में क्या नहीं लिखा जाता है। तो कैश सेल मेड बाय कंसाइनी लिखा जाता है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, सब क्रेडिट में ही आता है, क्रेडिट साइड में ही। क्रेडिट सेल्स मेड बाय कंसाइनी ये भी आता है, एबनॉर्मल लॉस ये भी आता है, इन्वेंट्री रिजर्व ऑन क्लोजिंग कंसाइनमेंट इन्वेंट्री ये नहीं आता, ये कहाँ जाता है, डेबिट साइड में, ये मैंने लिखा हुआ है, ये है ना, तो ये डेबिट साइड में लिखा जाता है ना कि क्रेडिट साइड में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी विल बी कंसिडर एज नॉन सेलिंग एक्सपेंस, कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस है जो नॉन सेलिंग माना जाता है। एडवर्टीजमेंट ये तो सेलिंग है, इंश्योरेंस ऑन फ्रेट इनवर्ड यही है नॉन सेलिंग। देखो कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने से पहले जो भी खर्चे होंगे ना वो क्या होंगे, आपके नॉन सेलिंग होंगे, और एक बार गोडाउन में पहुंच गया उसके बाद के जो खर्चे होंगे वो जनरली क्या होते हैं, सेलिंग। तो ये इंश्योरेंस ऑन फ्रेट इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब माल अभी आ रहा है उस टाइम पे जो इंश्योरेंस का खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सेलिंग हो जाएगा। बाकी ये सेलिंग एक्सपेंस ये तो सेलिंग है ही, नन ऑफ द अबव ये नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट आपका सेलिंग एक्सपेंस है ना। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। ये कहाँ पे काम आता है, तो आप याद करो जब आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते हो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अंडर कंसाइनमेंट, तो वहां पे क्या होता है कि जो कंसाइनी के होते हैं ना, वहां कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंस सॉरी कंसाइनी के जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, केवल नॉन सेलिंग को लिया जाता है। मैंने समझाया भी था क्लास में कि जैसे गोडाउन रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑफ दिल्ली सेंड आउट 2000 बॉक्सेस टू बी ऑफ कोलकाता कॉस्टिंग रुपीज 100, ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ए ऑफ दिल्ली सेंड आउट 2000 बॉक्सेस टू बी ऑफ कोलकाता,
दिल्ली के एक ए हैं जिन्होंने 2000 बॉक्सेस भेजे हैं, एक की कॉस्टिंग है 100 रुपए कोलकाता। द कंसाइनर एक्सपेंसेस आर ₹5,000, कंसाइनर का खर्चा कितना हुआ 5,000। 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन कंसाइनी गोडाउन, 1/10 बॉक्सेस कंसाइनी के गोडाउन में चोरी हो गए, लॉस्ट हो गए, खो गए एंड वर ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, और इनको नॉर्मल लॉस माना गया है। 1200 बॉक्सेस वर सोल्ड बाय कंसाइनी, 1200 बॉक्सेस कंसाइनी ने बेच दिए, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ए ने भेजा है किसको, बी को। ए क्या हो गया, कंसाइनर, और बी क्या हो गए, कंसाइनर, ठीक है ना। आप चलो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, तो सबसे पहले तो निकाल लो कि स्टॉक में बचा कितना है। तो 2000 बॉक्सेस थे माइनस 1/10 बॉक्स, ये 1/10 बॉक्स क्या हो गए, खो गए, मतलब 2000 का 1/10 कितना होगा, 200 बॉक्स खो गए और 1200 बॉक्स बिक गए, तो बचे कितना, 600 बॉक्सेस आपको स्टॉक में बचे हुए हैं। इतना समझ में आया कि कितने बॉक्स स्टॉक में बचे हुए हैं। अब इसकी वैल्यू निकालना है। अगर मैं फॉर्मूला मेथड की बात करूं तो नॉर्मल लॉस के केस में फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स की कीमत 100 रुपए है, 2000 बॉक्सेस और एक की कीमत 100 रुपए है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं, 5000, कंसाइनी के एक्सपेंस कुछ भी दिया नहीं है। डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स एंड 2000 बॉक्सेस माइनस नॉर्मल लॉस 200, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग गुड्स, तो रिमेनिंग गुड्स कितना है इनके पास, 600 बॉक्स, निकाल लो। ये हो जाएगा 6833, ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपका, कंसाइनमेंट इन्वेंटरी विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर ऑन एसेट साइड एट, है ना। कंसाइन जो इन्वेंटरी बची हुई होती है कंसाइनमेंट स्टॉक, उसको किस वैल्यू पे दिखाया जाता है, इनवॉइस प्राइस एट इनवॉइस वैल्यू लेस इन्वेंटरी रिजर्व एट लोअर देन कॉस्ट प्राइस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर है बी, इनवॉइस वैल्यू माइनस अगर उसमें से कुछ भी इन्वेंटरी रिजर्व है। तो इन्वेंटरी रिजर्व कब आता है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्लास में कि गुड्स सेंट ऑन अबव कॉस्ट, जो कॉस्ट है उससे अगर एक्स्ट्रा प्राइस पर गुड्स भेजा जाता है उस केस में क्या बनता है, इन्वेंटरी रिजर्व या कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट भी जिसे हम बोलते हैं। तो इनवॉइस वैल्यू माइनस इन्वेंटरी रिजर्व करके इसको स्टॉक में दिखाया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपए वाला गुड्स था और उसको अबव कॉस्ट 10% भेजा गया है, मतलब 110 रुपए में भेजा गया होगा। अब मान लीजिए ये 5 यूनिट बचा हुआ है, तो आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, 110 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, इतना, और माइनस इसमें से रिजर्व कर दोगे, रिजर्व कितना, एक पे 10 रुपए एक्स्ट्रा है ना, सॉरी ये 550 होगा आपका, तो आपका बैलेंस शीट में ये दिखाया जाएगा 500, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोफार्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, प्रोफार्मा इनवॉइस कौन भेजता है, तो ये भेजता है कंसाइनर कंसाइनी को, जिसमें कितने पे गुड्स को भेजना बेचना है इस बात की डिटेल रहती है। तो प्रोफार्मा इनवॉइस भेजता है कंसाइनर कंसाइनी को, कंसाइनी टू कंसाइनर ये गलत है, कंसाइनर टू कंसाइनी ये सही है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, डेटर टू कंसाइनी नहीं। फिर एक क्वेश्चन 8, इफ डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड फॉर बैड डेट्स, कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेट अमाउंट टू, अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है तो कंसाइनी बैड डेट के अमाउंट को कहां डेबिट करेगा, तो अगर बैड डेट दिया जाता है उस केस में कंसाइनी जो है ना क्या एंट्री करता है बैड डेट्स की, उसको एडजस्ट किया जाता है कमीशन से, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है ना। तो डेबिट क्या होगा, कमीशन अर्न अकाउंट, आंसर हो जाएगा ए, ठीक। फिर एक्स ऑफ कोलकाता सेंट आउट
2000 बॉक्सेस कॉस्टिंग रुपीज 100 ईच विद द इंस्ट्रक्शन दैट सेल्स आर टू बी मेड एट कॉस्ट प्लस 45%। ठीक है, 2000 बॉक्सेस भेजा है कंसाइनर ने, 100 रुपए की कॉस्ट है और इंस्ट्रक्शन दिया है कि बेचना कितने पे है, कॉस्ट प्लस 45%। तो आप बता सकते हो ना, 100 की कॉस्ट थी प्लस 45%, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 145। समझ में आई बात। एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन बाय फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल वैल्यू। पेमेंट में क्या हुआ कि वाई ने एक बिल लिखा है इस वैल्यू का 60% ऑफ सेल्स वैल्यू, द अमाउंट ऑफ बिल विल बी, बिल का अमाउंट कितना होगा, बहुत आसान है, टोटल सेल कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स 145 रुपए का बेचेगा एक और कितने हैं 2000 बॉक्सेस हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 2,90,000। अब देखो यहां पे बिल का अमाउंट कितना होगा, 60% ऑफ 2,90,000, तो ये हो जाएगा 1,74,000। तो यहां पे बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,74,000। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, आफ्टर क्लोजिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर इन दिस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करते समय उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर किया जाता है, ये मैंने क्लास में आपको समझाया भी था, एक चार्ट भी बना के दिया था कि किस अकाउंट का क्या नेचर होता है और उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का और इसका बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L अकाउंट में। सही आंसर आपका क्या होगा, सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरराइडिंग कमीशन इज गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इन ऑर्डर टू, अधिभावी कमीशन दिया जाता है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को किस लिए, एनकरेज द कंसाइनी टू प्रमोट द सेल्स एट अ प्राइस हायर देन द स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस। बिल्कुल, ओवरराइडिंग कमीशन इसीलिए दिया जाता है ना कि जो कंसाइनी है वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पर माल को बेचे। तो आपका सही आंसर क्या है, ठीक है, बाकी भी पढ़ लो, टू बियरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट, नहीं ये गलत है, इसके लिए कौन सा दिया जाता है कमीशन, डेल ट्रेडर कमीशन। टू सेलिंग गुड्स, नहीं सेलिंग गुड्स के लिए तुमको नॉर्मल कमीशन दिया ही जाता है, इसे जनरल कमीशन भी बोलते हैं, नन ऑफ द अबव, ये गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, नॉर्मल प्राइस से हायर प्राइस पर बेचने के लिए दिया जाता है ओवरराइडिंग कमीशन। ऑन गिविंग डेल ट्रेडर कमीशन हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना, डेल ट्रेडर कमीशन देने पर असमान हानि के लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो एबनॉर्मल लॉस के लिए तो हमेशा कंसाइनर ही जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि एबनॉर्मल लॉस के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो एबनॉर्मल लॉस के से हमें डेल क्रेडर कमीशन का कोई लेना देना ही नहीं है, डेल क्रेडर कमीशन दो ना दो हर केस में तो एबनॉर्मल लॉस के लिए कंसाइनर ही जिम्मेदार है। डेल क्रेडर कमीशन देने पर उस बैड डेट के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा, कंसाइनी जिम्मेदार हो जाएगा, है ना, एबनॉर्मल लॉस पे डेल क्रेडर कमीशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमेशा कंसाइनर जिम्मेदार होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंसाइनी गलत है, सही आंसर हो जाएगा कंसाइनर, आपका आंसर है बी, बोथ कंसाइनर और कंसाइनी नहीं, दोनों जिम्मेदार नहीं होंगे, केवल कंसाइनर होगा, ठीक है, ये भी गलत है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है आपका, व्हेन कंसाइनी इनकर्ड एक्सपेंसेस, कंसाइनी है ना तो ये प्रेषक नहीं प्रेस्ती होगा, जब प्रेस्ती खर्चा करता है तो क्या होता है, नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, गलत है, कंसाइनर बुक में एंट्री पास होती है, एंट्री क्या पास होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ये एंट्री पास होती है कंसाइनी के खर्चे के लिए, एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ओनली, एंट्री इज द पास इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ओनली, एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो आपका सही आंसर क्या है, डी, दोनों की बुक्स में एंट्री होगी, कंसाइनर के यहाँ भी एंट्री होगी और कंसाइनी के यहाँ भी एंट्री होगी, कंसाइनर के यहाँ तो मैंने बता दिया, कंसाइनी के यहाँ क्या एंट्री होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट और उसके यहां से पैसा जाएगा तो टू कैश या नेक्स्ट। नाइक स्पोर्ट कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइंड 100 शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग रुपीज 1500 ईच, ठीक है ना, नाइकी कंपनी ने भेजा है 100 शूज किसको, अहमदाबाद की कंपनी को 1500 रुपए
कॉस्ट है। तो यहाँ पे नाइकी ने भेजा है, तो नाइकी यहाँ पे क्या हो गया, कंसाइनर जो भेज रहा है, और एडिडास कंपनी क्या होगी यहाँ पे, कंसाइन। द कंसाइनर पेड फ्रेट 10,000, कंसाइनर का खर्चा कितना हो गया 10,000, एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1,500, और इंश्योरेंस का खर्चा उसने कितना किया, कंसाइनर ने 1,500 रुपए। तो कंसाइनर के टोटल खर्चे कितने हो गए, 10,000 और 1,500, 11,500। ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वर टोटली डैमेज, रास्ते में 10 शूज डैमेज हो गए, एबनॉर्मल लॉस हो गया। एडिडास कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज, बाकी गुड्स की डिलीवरी एडिडास कंपनी ने ले ली, मतलब सॉरी कंसाइनी ने कितने गुड्स की डिलीवरी ली, 90 शूज की। 1,530 फॉर ऑक्ट्राई ड्यूटी, और कंसाइनी ने कितने रुपए चुंगी के पे किए हैं, 1,530 रुपए। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडिडास कंपनी ऑन गोडाउन रेंट वर ₹2,000, गोडाउन रेंट के गोडाउन रेंट पर कंसाइनी ने कितना खर्चा किया, 2,000 रुपए खर्चा किया। आपको निकालना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, यहाँ पे वो लाइन छूट गई है, आपको बेसिकली यहाँ कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले तो आपकी कॉस्ट कितनी है, तो देखो एक की कॉस्ट 1,500 रुपए थी ना, और स्टॉक में कितने बचे हैं गुड्स, स्टॉक में कितने गुड्स बचे हुए हैं, यहाँ पे एक लाइन और छूटा हुआ है, 82 वर सोल्ड, इतना ऐड कर लेंगे कि 80 जो जूते हैं वो बेच दिए गए हैं, है ना। तो अब देखो 100 जूते थे, रास्ते में 10 खराब हो गए, 80 बेच दिए गए, स्टॉक में कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, ठीक है ना, इतना ये आप ऐड कर लेना कि 10 जूते उसने बेच दिए। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शूज, एक शूज की कीमत 1,500 रुपए थी, बचे कितने हैं 10, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 15,000। हम इस पे क्या ऐड करेंगे, कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस कितना है, 11,500, है ना, ये 10,000 और 1,500 डिवाइडेड बाई, ये कितने जूतों पे खर्च किया था उसने, 100 जूतों पर, और अब आपको चाहिए 10 जूतों का, तो ये कितना हो जाएगा, 1,150। कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी याद रखना, कंसाइनी ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, गोडाउन से पहले के खर्चे तो केवल 1,530 रुपए, जो गोडाउन का रेंट है वो नॉन सॉरी वो सेलिंग एक्सपेंस होता है ना, और हमें तो केवल डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए 2,000 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1,530 रुपए। अब एक बात का ध्यान रखना कि एबनॉर्मल लॉस के केस में कंसाइनी के एक्सपेंस में क्या होता है ना, आप टोटल गुड्स माइनस एबनॉर्मल लॉस कर देते हो, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों करते हैं एबनॉर्मल लॉस माइनस, क्योंकि जब कंसाइनी के यहाँ गुड्स पहुंचा तब तक तो आपका एबनॉर्मल लॉस हो चुका था, और वो लॉस हो चुका था तो उस पर तो कंसाइनी ने कोई खर्चा किया नहीं, इसीलिए उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, वन सेवेंटी, और टोटल इसका हो जाएगा 16,320, 16। तो आपके कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 16,320, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। आप इसी चीज को फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला आपको क्लास में सिखाया गया है, आप फॉर्मूले से भी करोगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी विल बी कंसिडर एज नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट है आपका, चलो फिर भी एक देख लो, ये ऊपर भी था कहीं पर, नॉन सेलिंग एक्सपेंस कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इंश्योरेंस ऑन फ्रेट इनवर्ड, वो खर्चे जो गोडाउन में पहुंचने से पहले है, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने से पहले के सारे खर्चे क्या होते हैं, नॉन सेलिंग, उसके बाद के खर्चे क्या हो जाते हैं, सेलिंग। नॉन सेलिंग को आप ये भी कह सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिए। एक तो आप एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको देख कर जाना, ठीक
दूसरा आप कंसाइनमेंट स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देख के जाना। ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछते हैं, और बाकी थ्योरी क्वेश्चन तो आपके हैं ही है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।